एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के जानीपुर गांव में पड़ा। लगभग 14,500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में गांव के प्रधान हरिओम कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 8400 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं बात अगर शिक्षा की जाए तो गांव के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 400 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 127 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 20 हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 350 विद्युत पोल, 37 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 45 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ ही गांव में शमशान घाट का निर्माण, 15 सीसी टाइल्स रोड, 2 तालाबों के निर्माण, 6 पुलियाओं का निर्माण तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 307 शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में आंगनवाड़ी केंद्र, शमशान घाट की बाउंड्री के निर्माण तथा 25 सोलर लाइटें लगवाने की राज्य में केंद्र सरकार से मांग की है। मैं ग्राम प्रधान रियोम जानीपुर ब्लॉक जानी। हमने अपने गाँव में विकास कार्यो में सीसी टाइल्स, इंटरलॉकिंग, नाला निर्माण, शमशान, सौंदर्यकरण, तालाब निर्माण आदि सफाई कार्य और शौचालय तो बताया क्या बस इतना होगा। और हमारी जो मांग है इसमें कार्य में ग्राम विकास के लिए तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए हमें और बिजली के पोल वगैरह और कुछ लाइटें और विकास कार्य हम अच्छे से कराए गए हैं। धन्यवाद।